यूएफयू कड़े पुकार, जिंदाबाद जिंदाबाद, विधिकरण के फैसले को वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। सरकार द्वारा बैंक के निजीकरण के विरोध में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर आज और कल यानी सोमवार और मंगलवार को बैंक कर्मचारी हड़ताल पर, जिसके चलते बंद रहेगा बैंक। केंद्र सरकार के नवीनतम बजट में राष्ट्रीयकृत बैंकों के निजीकरण करने की बात कही गई है, वही बैंक कर्मी इससे मानने से इनकार कर रहे हैं। इसके विरोध में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने 15 और 16 मार्च को देशव्यापी बैंक हड़ताल का आह्वान किया है। बैंक बंद के अलावा ये दो दिन एटीएम सेवाएं भी बंद रहेगी, जिसके चलते आम लोगों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बैंक कर्मियों ने कहा कि उन्हें खेद है कि आम जनता को इससे असुविधा होगी। यदि बैंक का निजीकरण किया जाता है तो कई लोग अपनी नौकरी खो देंगे। उनका कहना है कि वे किसी भी तरह से बैंक का निजीकरण होने नहीं देंगे और यदि जरूरत पड़ी तो वृहद आंदोलन पर उतरेंगे। दूसरी तरफ यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन के सदस्य कौशिक कौशल ने बताया कि हड़ताल से बैंक के ग्राहकों को परेशानी तो होगी, लेकिन हड़ताल कर बैंकों के निजीकरण का विरोध नहीं किया गया तो ये कहीं ना कहीं ग्राहकों के लिए नुकसानदायक साबित होगा। उन्होंने कहा कि निजीकरण किसी भी तरह से राष्ट्रहित में नहीं है, ये जन विरोधी है। बैंक यूनियन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंकर्स यूनियन, जितने भी हमारे बैंक यूनियन हैं वो सारे यूनियन इसमें शामिल हैं, जितने भी ऑफिसर्स कर्मचारी संगठन हैं सारे शामिल हैं इसमें। और हम लोगों ने जितने भी भारतवर्ष में जितनी भी शाखाएँ हैं, सार्वजनिक क्षेत्र की शाखाएँ, ये दो दिनों तक हड़ताल रहेंगी, दो दिनों तक बंद रहेगा। और ये हड़ताल का आह्वान हमारा, जो सरकार का केंद्र सरकार का फैसला आया है कि वो सरकारी बैंकों का निजीकरण करेंगे, इसके विरोध में आया है। क्योंकि निजीकरण किसी भी तरीके से राष्ट्रहित में, जनहित में नहीं है, ये जन विरोधी है। आज हम सरकारी बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में, सुदूर इलाकों में हैं, हम वहाँ पे जितने भी कृषि कार्यों के लिए हैं कृषकों को ऋण देते हैं, जो छोटे छोटे उद्यमी हैं उन्हें ऋण देते हैं। प्राइवेटाइज करने से, जब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, निजीकरण हो जाएगा, बहुत सारे जो आम जनता है उन्हें तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। हमारे बैंकों के साथ गरीब, पेंशनर्स, मध्यम वर्गीय, लघु जो किसान हैं, सीमांत किसान हैं, जो व्यापारी हैं, सब जुड़े हुए हैं। और सभी के साथ जो हम सरकार की योजनाएं हैं, राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, सभी को आगे बढ़कर हम लोग शामिल करते हैं। कोरोना काल में हम लोगों ने कंटिन्यू सारी सेवाएं हम लोगों ने मुहैया करवाई। हमारी सभी शाखाएं पूरे कोरोना काल में खुली रही और हमने सारी सेवाओं को निरंतर लागू रखा। अगर प्राइवेटाइज करते हैं तो इसमें हर तरीके से प्रॉब्लम पेंशनर्स के हैं, गरीबों को बहुत सारी परेशानियां हैं। जो आप न्यूनतम बैलेंस की बात करें, न्यूनतम बैलेंस अगर प्राइवेट बैंकों में देखें उस अपेक्षा सरकारी बैंकों में बहुत सारे अकाउंट हैं जो आप जीरो बैलेंस पे खोलते हैं, 500 रुपये, 100 रुपये के न्यूनतम बैलेंस पे खोलते हैं। गरीब अपनी छोटी छोटी बचत रखता है और बचत पे आपको सरकार की ओर से गारंटी भी मिलती है, जो गारंटी आपको प्राइवेट बैंकों में नहीं मिलेगी। इसलिए हमारा पूरे बैंकर्स यूनियन का, सबका, हम लोग का एक पुरजोर विरोध है और इसमें हम लोग आम जनता से भी अपील करते हैं कि इसमें सहयोग करें और अपने सरकारी बैंकों को बचाएं। Wallpapers done. अब fans? Fans stylish और high tech होना चाहिए? Fan तेज चले पर मीटर नहीं। Surya fans चाहिए आपको। Surya fans, stylish, dust free और high tech। चली हवा Surya की।